लूसी सभी को आश्चर्यचकित करना चाहती है और क्या आप उन सारे कप को देख रहे हैं? मुझे डर है कि ब्रिटनी और माइक की कुछ और ही योजना है जिसमें मजाक शामिल है। ओह, केवल समस्या यह है कि शरारत का अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लूसी अच्छी और वास्तविक तौर पर गुस्सा हो रही है और इसका बदला गंभीर रूप से लेगी। यह 100 परतों की चुनौती होगी। यह अच्छी तरह से शुरू हो रहा है। डोनट्स, इसे कौन पसंद नहीं करेगा? लूसी सबसे ज्यादा भाग्यशाली निकली और उसे बहुत सारे मिले हैं। जरा रुको, माइक लड़की को यह दिखाना चाहता है कि इतने सारे ट्रीट को कैसे संभालना है। ब्रिटनी के पास केवल एक है, बेचारी। लेकिन लूसी एक विशाल गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर रही है जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सावधान रहो, इसे गिरना नहीं चाहिए। नहीं माइक, कृपया नहीं, मत करो। उसकी भारी छींक ने डोनट्स के पूरे निर्माण को एक झटके में गिरा दिया। यह जरूर एक भारी शक्तिशाली छींक रही होगी। वह डोनट्स टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद माइक, तुमने काफी कम समय में सब कुछ कर दिया। अब लूसी को शांत करने कौन जा रहा है? चलो अब अतीत के बारे में भूलकर आगे बढ़ते हैं और इन स्वादिष्ट बर्गर को देखते हुए कौन परेशान हो सकता है? माइक को केवल एक ही मिला है और लड़कियों के पास उसकी तुलना में बहुत ज्यादा दिख रहा है। ब्रिटनी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसने अपने जीवन में कभी भी इतने बर्गर एक साथ नहीं देखे हैं। वह तो गिनने तक की जहमत नहीं उठाना चाहती। उसे पता है कि वो बहुत सारे हैं। लूसी यह समझने की कोशिश कर रही है कि इतने सारे बर्गर को कैसे खाया जाए और वह एक बहुत ही मूल दृष्टिकोण के साथ जाने का फैसला करती है और उन सबको दबाकर एक साधारण संभालने लायक आकार का बनाती है। जरा देखो उस छोटे से बर्गर को, उसके मुंह में डालने के लिए एकदम सही आकार। ब्रिटनी सोच रही है कि इस तरीके से उसे भी मदद मिल सकती है, पर इसके लिए उसको किसी की मदद की जरूरत होगी। ओह, उन्हें वास्तव में बहुत मजबूत होना चाहिए। वह इन सारे बर्गर को जमा कर एक बर्गर तैयार कर लेते हैं, पर अच्छी बात यह है कि इसमें अभी भी 100 बर्गर का स्वाद है। लेकिन इस तरह से कुछ भी मिटाया नहीं जा सकता और सारे बर्गर एक साथ प्रतिशोध के साथ वापस आ गया। ओह, इससे अच्छा महसूस नहीं हो सकता। माइक फिर से सबको ढक्कन हटाने को कहता है। लूसी ने अपना ढक्कन हटाया और वह बिल्कुल भी खुश नहीं है जो मिला है उससे। और माइक की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही है और ब्रिटनी की भी। केवल सादा ब्रेड, कितना उबाऊ। नहीं दोस्तों, निर्णय लेने में इतनी जल्दी मत करो। न्यूटेला ने टेबल पर अपनी जगह ले ली है जो कि बहुत ही अच्छा है, पर इसके लिए हमें बर्तनों की भी जरूरत होगी। चाकू या चम्मच के बिना दिन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ यह है तुम तीनों के लिए। गॉश, कोई भी अन्य की तरह नहीं है और ब्रिटनी को वास्तव में कुछ विशेष अलग तरह का मिला है। लूसी पागलों की तरह हंस रही है, पर उसे ध्यान केंद्रित करने और यह पता लगाने की जरूरत है कि वह विशाल चम्मच का उपयोग कैसे करेगी अपने न्यूटेला स्प्रेड के लिए। वह इतनी भी मूर्ख नहीं है और इसलिए उसने तुरंत में समाधान खोज लिया। माइक को कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है और वह बस खुशी से खा रहा है। ब्रिटनी यह समझने की कोशिश कर रही है कि उस छोटी सी गुड़िया के हाथों के जोड़ों के साथ वह क्या करेगी। शायद इसे एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। और वह करती है, बुरा नहीं है, पर यह स्पष्ट रूप से एक लंबा समय लेगा। उसे बहुत सारे ब्रेड मिले हैं। कोई बड़ा हाथ शायद जल्दी जल्दी यह काम कर सके। ब्रिटनी ने
ने सब तरफ चॉकलेट फैला लिया है, पर इसका स्वाद बहुत अच्छा है। अगर वह कुछ काम कर रही है तो वह कम देखभाल के साथ काम नहीं कर सकती। ओरियोस तो लाजवाब होते हैं, पर किसी के लिए भी एक काफी नहीं है। ब्रिटनी को कुछ और मिले हैं जो कि अच्छा है, और इसका मतलब है कि बाकी सारे ओरियोस माइक का इंतजार कर रहे हैं। ये तो कुकी का पहाड़ है। रुको, इससे पहले कि तुम इसे खाओ तुम्हें इसकी परतें लगानी होंगी। यह तो बहुत मजेदार होता है। यह टावर बहुत ही अनिश्चित है, पर यह बहुत स्वादिष्ट है, इसके बारे में भूल नहीं सकते। यह तीनों पेशेवर आर्किटेक्ट नहीं है और यह गिर जाता है। किसी तरह की परेशानी या दहशत की जरूरत नहीं है। कुकीज कहीं गायब नहीं हो गए हैं और नीचे गिरने से उसके स्वाद में कोई बदलाव नहीं आता है। हालांकि माइक यह सब सुनने को तैयार नहीं है और वह ब्रिटनी पर इन सब का आरोप लगाता है और सारे कुकीज के टुकड़ों को ब्रिटनी की ओर बढ़ा देता है। खैर, अगर आपको ओरियोज मिले हैं तो आपको उन्हें खाना होगा। ब्रिटनी बिना किसी शिकायत के और बिना दूध के भी वह सारे कुकीज को खा रही है, जो कि और भी प्रभावशाली है। हॉट डॉग्स, आपको क्या अधिक पसंद है, ये या बर्गर्स? माइक का चेहरा बता रहा है कि उसे हॉट डॉग ज्यादा पसंद है और वो बहुत रोमांचित है कि उसे एक बार फिर से सबसे ज्यादा मिला है। पर सॉस नहीं, हमें इसे ठीक करना होगा। माइक थोड़ा परेशान है कि उसे क्या करना होगा, लेकिन नियम तो नियम है और उसे इसे मानना ही होगा। लड़कियां पहले से ही अपने व्यंजन को खाना शुरू भी कर दी, जो एक अच्छी योजना थी। अरे यार, ये बहुत ही ज्यादा है। माइक वास्तव में थोड़ा ज्यादा ही कर दिया और उसने अपनी प्लेट में पूरी गड़बड़ फैला दी है। मुझे नहीं लगता कि वह जानता था कि वह क्या कर रहा है, पर दोनों बोतलों को खाली करना जरूरी नहीं था। अब बंद भी करो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब यह देखते हुए केवल एक चीज दिमाग में आ रही है, हम सभी एक ही बात सोच रहे हैं। अच्छी बात है कि माइक अच्छा लड़का है और आसानी से परेशान नहीं होता है। खैर, यह दौर बहुत मजेदार था, है ना? क्या यह बहुत शानदार नहीं होगा कि यह चुनौतियां बस चलती ही रहे? सकर्स। क्या आपने इस चीज के फायदे के बारे में कभी सोचा है? हमने सोचा है। शुरुआत के लिए इसका आनंद हम लंबे समय तक ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये बहुत सारे हैं, जैसा कि ब्रिटनी के पास है, तब तो आपको आनंद अंतहीन होगा। ऐसा लग रहा है कि वह सभी स्वादों को एक साथ मिलाने और उन सभी का स्वाद एक साथ लेने की कोशिश कर रही है। आखिर वह ऐसा कैसे कर रही है? क्या यह वास्तव में अच्छा विचार है, ब्रिटनी? ओह, जैसा कि मैं इससे डर रही थी, यह बुरा हो रहा है। माइक, तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी जरूरत है। लूसी, तुम्हें भी इसकी मदद करनी होगी। यह गंभीर काम है, अब खींचो साथ में, तुम कर सकते हो। ओह, उनकी संयुक्त ताकत ने आखिरकार चाल चली। गॉश, शुक्र है कि इस पूरी प्रक्रिया में ब्रिटनी ने अपने दांत नहीं गवाए। अब यह पूरे सप्ताह चलेगा। पता नहीं क्यों, पर कोई भी इसे पहले देखना नहीं चाहता। डर लग रहा है, खैर लगना भी चाहिए। गॉश, हम इस चुनौती का अंत प्याज के साथ कर रहे हैं, और किसी को यह बहुत सारा मिला है, और वो है ब्रिटनी। हमें तुमसे सहानुभूति है, पर हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी गंध बहुत भयानक है और ये किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला है। हमारी तिकड़ी पूरी बहादुरी से अपने दांतों से प्याज को काटती है, यह जानते हुए भी कि यह बहुत बुरा होने वाला है। लूसी वास्तव में बहुत रो रही है, यह प्याज की गलती है, यह काम उसके बर्दाश्त के बाहर है।
ब्रिटनी के लिए यह समय बहुत मुश्किल भरा है। आज ही के दिन उसने वाटरप्रूफ मस्करा का उपयोग नहीं किया। माइक इस सबके लिए तैयार नहीं था और वह देखता है तो डर जाता है। इसके लिए इन लड़कियों को दोष नहीं दे सकते। कोई भी मेकअप इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दूसरी झलक में यह वास्तव में डरावने से ज्यादा हास्यास्पद था। लूसी को आज पूरे दिन पास्ता खाने का मन कर रहा था और लगता है किसी ने उसके लिए बहुत सारा बनाया है। मजा लो इसका। अरे यह तो वह नहीं था जो उसे चाहिए था। सूजी तो काफी शरारती निकली, पर यह तो बस शुरुआत थी। वह 100 परतों की खाद्य चुनौती की घोषणा करती है। सूजी शुरू करना चाहती है, केवल बात यह है कि उसके सामने कुछ नहीं रखा है। लेकिन उसे ज्यादा देर तक उदास रहने की जरूरत नहीं है। जरा देखिए उसे क्या परोसा गया है। अब यह तो अलग ही कहानी है। यह बर्गर तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो इसे कैसे खाएगी। सूजी उसे दबाकर छोटा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगता है कि वह उतनी ताकतवर नहीं है। और जबरदस्ती कुछ भी करना समस्या का हल नहीं होता है। इससे केवल आपके पूरे मुंह पर खाना लग जाएगा। लूसी को यह सब देखकर मजा आया, जब तक कि उसने अपना प्लेट देखा और उसमें उसे कुछ भी नहीं मिला। शायद उसे और थोड़ा ध्यान से देखना होगा। वह रहा एक माइक्रो बर्गर। उसे तो अभी ट्वीजर की ही जरूरत है। आकार तो छोटा था, पर स्वाद बहुत बढ़िया। यह तो चैंपियन के लिए एक दावत है। सूजी को बेहतर विकल्प मिला है। लेकिन सिर्फ खाना तो बेकार होगा। बेहतर होगा इसे एक खेल में बदल दे। कौन ज्यादा खा सकता है। वाह, सूजी तो हॉट डॉग खाने की चैंपियन है। लूसी के पास एक बन और एक और आधा बन के अलावा कुछ नहीं है। शायद ये दूसरे स्थान पर आने के लिए था। बेहतर पुरस्कार है हॉट डॉग्स। पिज्जा, पिज्जा और भी पिज्जा। इसकी 100 परतें। लेकिन अरे, ज्यादा पिज्जा जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। लेकिन फिर से इसे कैसे खाएं यह समस्या है। जब तक सूजी उस समस्या से निपट रही है, तब तक लूसी थोड़ा मजा लेने वाली है। ओह, वो तो बहुत तीखा होगा। और सूजी का पिज्जा एक बहुत ही तीखे डिश में बदल गया। लूसी के पास एक छोटा टुकड़ा है, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और उसे यह बहुत ही छोटे हाथों के साथ खाना होगा। ओह, कितने प्यारे हैं। इतने छोटे चीज का तुमने बहुत अच्छे से उपयोग किया। यह इतना छोटा सा दाना क्या है? क्या यह खाना है? अरे, इस छोटे से मकई के दाने का तो भविष्य उज्जवल है। क्या होने वाला है? आइए देखिए, एक अच्छा सा पॉपकॉर्न का टुकड़ा। सूजी के पास तो शब्द ही नहीं है। इतने सारे मकई के दाने, वो जैसे हैं वैसे खाना तो बहुत दर्दनाक होगा। उसके तो लगभग दांत ही टूट गए थे।
ठीक है, सूजी के पास एक योजना है और वह यह करने जा रही है। सच में थोड़ा खतरनाक तो है, लेकिन जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा इनाम। इतना उदास चेहरा क्यों सूजी? वॉफल के लिए कौन दुखी होता है? बेशक यह इनकार करना मुश्किल होगा कि बेहतर तब होता है जब लूसी जितना हो, लेकिन अरे अगर तुम इसके ऊपर कुछ स्वादिष्ट डालो तब निश्चित रूप से स्थिति अच्छी हो जाएगी। एकदम लाजवाब। हाँ सूजी ने तो थोड़ी गंदगी फैला दी, पर किसे फर्क पड़ता है। लूसी काम पर लगने के लिए तैयार हो रही है। उप्स। यह तो बिल्कुल वह नहीं है जिसकी उम्मीद लूसी को थी। सूजी एक छोटे से गमी बेयर को देख रही है। मीठा होगा, लेकिन अफसोस है जितना चाहो उतना देख लो, उससे यह बड़ा नहीं होगा। वाओ। अरे बड़ा होने से याद आया कि अगर बीज से पौधे उग जाते हैं तो क्यों ना गमी बेयर को मिट्टी में डालकर देखा जाए कि क्या होगा। थोड़ी सी देखभाल के बाद शायद इसका आकार 3 गुना बढ़ जाए। ओ, या शायद एक असली गमी बेयर की एक झाड़ी निकल आए। वाओ। कमाल है, इससे फूलों और कुछ मीठे की खुशबू आ रही है। लूसी ने सच में बहुत सारा खा लिया और लगता है कि उतने सारे कैंडी से उसे एलर्जी हो रही है। क्या आसपास कोई डॉक्टर है? चलो थोड़ा और कुछ मीठा हो जाए या बहुत सारा। अरे केक को किस चीज की जरूरत है? सही सोचा, मोमबत्तियाँ, और अगर जगह हो तो बहुत सारे। वो तैयार है और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन लूसी इन्हें नहीं बुझा पा रही है। वो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है और उससे उसे यह मिला। सब बर्बाद हो गया। उसे सच में और ध्यान से करना चाहिए था। जन्मदिन मुबारक हो जैकब, 1 और साल बड़े हो गए। अरे यह तुम्हारे लिए है। बहुत 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 बधाई हो दोस्त, यह रहा तुम्हारा उपहार। वाह इतने सारे उपहार। पर इसके अंदर क्या है? पैंट्स मेरे पसंद अनुरूप नहीं है। रंगीन पेंसिल, यह क्या हो रहा है? और तीसरे पैकेट में क्या है? ड्राइंग का और सामान जो मुझे मिला है। हाँ जो मुझे नहीं चाहिए था। तुम लोगों को क्या हुआ था यार? अब आओ जैकब, अब केक काटने का समय है। हम सब यहाँ खाने के लिए तैयार है। तुम सबके लिए कोई केक नहीं, मेरे पास तुम लोगों के लिए अलग ही सरप्राइज है। हम कहाँ आ गए हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम तीनों को ड्राइंग काफी पसंद है। मैं अपने इस थ्योरी का परीक्षण करना चाहता हूँ। तुम सब अपने उपहार वापस ले लो, तुम्हें इन सब की जरूरत होगी हमारी चुनौती के लिए। हम आसान शुरुआत करेंगे। अब इस केक की ड्राइंग बनाओ, जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी वह केक ले जाएगा। ओ यह तो मेरा जितना अच्छा है। एक एक चीज पर ध्यान देना जरूरी है। मैं तो ये आसानी से बना लूंगी। कितने सारे प्यारे रंग है। तुम लोग ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं तो बस इस पर कुछ रंग डाल देती हूँ और फिर उनको मिला दूंगी। रुक जाओ, समय खत्म हुआ। हम सब तैयार है, मेरा काम सबसे अच्छा है। ओ, यह कठिन विकल्प है, लेकिन मुझे लगता है तुम सही हो सोफिया, यह तुम्हारा है।
और क्या, हम लोगों के लिए कुछ नहीं? भोजन का पूरा आनंद लो सोफिया। यह फ्रॉस्टिंग तुम पर अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि आप सब तैयार हैं अगले दौर के लिए। यह अच्छा है, क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे? यह बक्सा अच्छे सामानों से भरा हुआ है, शुरू हो जाओ। मुझे इस बार जीतना ही है। ओह, यह तो भयानक है। हाँ, मैं इस उपकरण का उपयोग करूँगी। मैं एक हरा फोन पेंट करने जा रही हूँ। ओह, तुम दोनों का तो सच में बहुत अच्छा है। उप्स, क्या मैंने ऐसा किया? सोफिया, मेरी ड्राइंग। चिंता मत करो, मुझे लगता है कि बस तुम्हारे पेंटिंग को बेहतर बनाने के लिए हुआ है। सोफिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यह गलत है। कृपया मुझे माफ कर दो दोस्तों, यह मात्र एक दुर्घटना थी। मेरे पास उस फोन को प्राप्त करने का कोई मौका नहीं है। मेरा भी। तो फिर सोफिया फिर से जीत जाती है। कितना अद्भुत है। रुको, यह एक असली फोन नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, धोखाधड़ी ने तुम्हें कहीं का नहीं रखा। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग इस नाश्ते को मना नहीं कर पाओगे। यहाँ पर, मुझे यकीन है कि जिसे सबसे ज्यादा भूख लगी होगी वह इसे प्राप्त कर लेगा। अब काम पर लग जाओ। इसकी सुगंध कितनी अच्छी आ रही है, मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा है ड्राइंग पर। तुम बस आगे जा सकती हो और चाहो तो हार मान सकती हो। फ्रेंच फ्राइज, इससे अच्छा और कुछ नहीं। अपने काम दिखाओ। ओह वाह, ये सब बहुत अलग है और सभी प्रभावशाली भी। वाओ। मुझे लगता है तुम सभी एक चीज जो तुमने बनाया है उसको ले सकती हो। बेशक उसके अंदर एक छोटा सा सरप्राइज छुपा होगा। तीखा सा सॉस फ्राइज के लिए, एक काफी हिलाया हुआ सोडा और एक बर्गर जिसके अंदर तीखी मिर्च छुपी होगी। आनंद लो। तुम बहुत अच्छे हो जैकब, मैं खुशी खुशी इस बर्गर को खा लूंगी। रुको, मेरा मुंह क्यों जल रहा है? अरे नहीं, ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे कुछ दो। आह, ये फ्राइज भी तीखा है। मुझे कुछ पीने को चाहिए। ओह, मैं तो सोडा से भींग गई। हे भगवान, अब बस भी करो, मैं तो हंसते हंसते मर जाऊंगा।